सुपर चोर एपिसोड 6। एस की बातें सुनकर ग्रेसी ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और अर्थपूर्ण ढंग से पूछा, क्या तुम्हें पता भी है कि गुलाम चिन्ह क्या होता है? एस ने उत्तर देने से पहले कुछ देर सोचा, हाँ, मैंने बंजर भूमि में इसके बारे में बहुत कम सुना है। मैं केवल इतना जानता हूँ, दास चिन्ह के साथ ब्रांडिंग का अर्थ है अपनी स्वतंत्र इच्छा को आत्मसमर्पण करना और दास अनुबंध रखने वाले व्यक्ति के प्रति हमेशा वफादार रहना। मैंने व्यक्तिगत रूप से पहली मंजिल पर लोगों के माथे पर एक रहस्यमय लाल रंग का निशान देखा, मुझे गुलाम का निशान होना चाहिए, है ना? एस वास्तव में ये सब नहीं जानता था। ये वह सारी जानकारी थी जो ईवा ने उसे यहाँ आने से पहले दी थी। गुलाम का निशान लगाना भी उनकी योजना का एक हिस्सा था और उनकी आत्मा की कल्टीवेशन के कारण इस तरह के बेकार गुलाम के निशान उन पर काम नहीं करेंगे। इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, और ग्रेसी का विश्वास जीतने का ये सबसे आसान तरीका है। ग्रेसी को इस तथ्य से कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि एस पहले से ही दास चिन्ह के बारे में जानता था, लेकिन जिस बात से वह वास्तव में आश्चर्यचकित थी वह इसकी जीने की इच्छा थी। उसकी नजर में इस लड़के ने वास्तव में उसे अपना गुप्त कौशल दिखाया था, और यहां तक कि वह गुलाम के रूप में ब्रांडेड होना चाहता था ताकि वह जीवित रह सके। ये वास्तव में उसे मोहित कर गया और उसने इस बर्बर को एक नई नजर से देखा। ठीक है, मैं तुम्हें अपना निजी नौकर बनने की इजाजत दूंगा और तुम्हें उस गंदी इमारत में रहने वालों में से किसी से भी बेहतर जीने दूंगा, लेकिन तुम्हें पहले खुद को साबित करना होगा। ग्रेसी रहस्यमय तरीके से मुस्कुराए और आगे बोली, यदि आप बिना किसी को पता चले उन सभी प्रतिभागियों के पैसे के पाउच चुरा सकते हैं, तो मैं एक महीने में एक पारिवारिक बैठक में भाग लूंगी। तब आप मेरे निजी नौकर हो सकते हैं और मैं आपको इनाम भी दूंगी। आप क्या करते हैं सोचना। ग्रेसी एस को देखकर मीठी मुस्कान से मुस्कुराई, जैसे कि वह उस भीड़ को देख रही हो जो वध होने वाली थी। उसने जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उससे छुपाया, वह ये कि यह कोई आकस्मिक मुलाकात नहीं थी। ये ग्रांट परिवार की युवा पीढ़ी की बैठक थी और यह काफी बड़ा आयोजन था। एस की विशेष कौशल सीमा का परीक्षण करने और ये देखने के लिए कि क्या वह वास्तव में उन सभी प्रतियोगियों से उन्हें सचेत किए बिना चोरी कर सकता है, ग्रेसी ने उसे पूरी सच्चाई नहीं बताई। इसके अलावा यदि वह असफल हो गया तो वह उसे तेजी से मार डालेगी ताकि कोई भी इस मामले की जांच न कर सके, लेकिन यदि वह सफल हो गया तो वह बिना उंगली उठाए बहुत बड़ा लाभ कमा लेगी। इसके अलावा अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वह भी हर किसी की तरह पीड़ित होने का नाटक करेगी और किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि वह चोरी के पीछे की मास्टरमाइंड थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे गुलाम के रूप में एक मास्टर थी हक मिलेगा। मैं यंग मिस व्यवस्था के अनुसार कार्य करूंगा, लेकिन इस विनम्र सेवक का एक व्यक्तिगत अनुरोध है। एस ने विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया। वह इस परीक्षण से बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था। वह शुरू से जानता था ग्रांट परिवार की इस अहंकारी तीसरी मिस का विश्वास जीतना पाक में टहलना नहीं होगा। हम एस सुनकर ग्रेसी ने अपनी भौहें कस ली, लेकिन उसने डांटा नहीं और बेरुखी से पूछा, मुझे बताओ कि क्या यह अनुरोध उचित है? मैं इसके बारे में सोचती हूँ। मुझे बस अपने कौशल को प्रशिक्षित करने के लिए एक जगह की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने इसे पहले कभी भी कई लोगों पर इस्तेमाल नहीं किया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं एक कल्टीवेटर नहीं हूँ। एस का स्वर और भी सम्मानजनक हो जाता है। मैं यंग मिस मिशन को विफल नहीं करना चाहती, इसलिए मुझे कड़ी मेहनत करने की जरूरत है ताकि मैं एक महीने में अपनी पूरी क्षमता के साथ सेवा कर सकूं। ग्रेसी ने बोलने से पहले कुछ देर इस पर विचार किया। ऐसा लगता है कि आप उस गंदी इमारत में वापस नहीं जाना चाहते, तो ठीक है, आप यहाँ खुले में रह सकते हैं और जो चाहें अभ्यास कर सकते हैं। वह मंद मंद मुस्कुराती है। हालांकि तुम्हें मेरे घर में आने की अनुमति नहीं है, या यदि तुम मेरे प्रशिक्षण मैदान से आधा कदम भी बाहर चले तो तुम मर गए। एस को चेतावनी देने के बाद वह उसे पीछे छोड़ते हुए वापस अपने घर की ओर चल देती है। चूंकि ग्रेसी ने एस के साथ एक शानदार डील की है, इसलिए वह प्रशिक्षण के मूड में नहीं थी, और उसने बाहर खेलने का फैसला किया क्योंकि वह बहुत अच्छे मूड में थी। जैसे ही एस ने ग्रेसी को उसे अकेला छोड़ते हुए देखा, योजना का दूसरा चरण इतनी आसानी से पूरा हो गया है और यह हमारी अपेक्षा से भी जल्दी पूरा हो गया है, उसने खुशी से सोचा। एस और ईवा की योजना में ग्रेसी बहुत महत्वपूर्ण थी। उनकी योजना थी एस कुछ समय के लिए पंचिंग बैग रहेगा और पिटाई सहने की अपनी अप्राकृतिक क्षमता दिखाने के बाद उसे एक मजबूत युवा मिस या मास्टर को उनका स्पेयरिंग पार्टनर बनने के लिए दिया जाएगा। आखिरकार एस अपने मुख्य लक्ष्य को पूरा कर लेगा, और वह था ग्रेसी ग्रांट। ईवा ने उसे इसलिए चुना क्योंकि वह बेहद दृढ़ इच्छा शक्ति वाली थी और अपने पिता के अलावा कभी दूसरों की बात नहीं सुनती थी, और यहां तक कि उसकी माँ भी उसे नियंत्रित नहीं कर सकती थी। इसके अलावा वह बेहद लालची थी और जो भी उसे पसंद आता वह दूसरों से ले लेती थी। वह दूसरों को धमकाती है चाहे वे कोई भी हों। यदि ग्रेसी का सामना किसी ताकतवर से होता तो वह अपनी स्थिति या पिता की स्थिति का उपयोग करती, लेकिन इन सभी शक्तियों के समर्थन के बावजूद वह दो व्यक्तियों के सामने अभद्र व्यवहार नहीं कर सकती या उनके साथ व्यवहार नहीं कर सकती, और वे दोनों ग्रांट के परिवार के पहले और दूसरे युवा मास्टर थे।
एस और ईवा ने अपने लालच का उपयोग करके उसके कार्यों में हेरफेर करने का निर्णय लिया। एस उसे अपना अप्राकृतिक पॉकेट कौशल दिखाएगा और वह दूसरों से कीमती चीजें चुराने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर पाएगी, विशेषकर दूसरे दर्जे के युवा मास्टर से, जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी लेकिन उससे निपट नहीं सकती थी। हालांकि इस योजना को क्रियान्वित होने में कुछ समय लगना था, लेकिन किसने सोचा होगा पहले ही दिन एस अपने लक्ष्य को पूरा कर लेगा। इसलिए वह तुरंत हमला करता है और जेब काटने के कौशल से ग्रेसी को फंसा लेता है। उसे एक महीने के परीक्षण भाग को छोड़कर एस की योजना अंत में सफल होती है और यही सबसे अधिक मायने रखता है। अब उसे ग्रेसी की परीक्षा पास करने के लिए पॉकेट मार को उच्च स्तर पर प्रशिक्षित करना होगा। इसके अलावा खोज के बाद जेबक्तरा उसे चोर अंक देगा। एस वास्तव में इसका गंभीरता से अभ्यास करने जा रहा था। अनजाने में ये कौशल उनकी मुख्य प्राथमिकता बन गया है, क्योंकि सिस्टम से चीजें प्राप्त करने के लिए उन्हें टीपी की आवश्यकता होती है और मिशन को छोड़कर टीपी अर्जित करने का केवल यही एक तरीका पता है। दरअसल टीपी अर्जित करना बहुत आसान था, उसे बस चीजें चुरानी थी और चोर अंक अर्जित कर सकता था। लेकिन उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया और जब उसने ग्रेसी की पैसों की थैली चुराने के लिए पिकपॉकेट का इस्तेमाल किया तो एस को अंततः एहसास हुआ कि टीपी अर्जित करने के लिए उसे क्या करना होगा। इसके अलावा ये कौशल अप्रत्याशित रूप से एक आत्मा कौशल था। गोल्डन स्काई वर्ल्ड में सोल टेक्निक्स और सोल स्किल्स सबसे दुर्लभ थे। यहां तक कि डेविल रेस, जिसके पास इस दुनिया में कल्टीवेशन की सबसे संपूर्ण विरासत थी, के पास भी कई आत्मा साधक नहीं थे। एस ने स्वर्गीय ज्ञान का उपयोग किया और ग्रेसी को घर से बाहर निकलते देखा, लेकिन अंदर नहीं गया, क्योंकि हो सकता है कि उसने उस पर नजर रखने के लिए कोई जाल छोड़ा हो या किसी को आदेश दिया हो। चूंकि उसकी आत्मिक इंद्रियां इतनी मजबूत नहीं थी कि वह पूरे घर का निरीक्षण नहीं कर सकता था, एस ने अब ग्रेसी की परवाह नहीं की और उन हथियारों को उससे 10 मीटर दूर रख दिया और पिकपॉकेट का उपयोग करना शुरू कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे ग्रेसी के साथ हुआ था, जब उसका सोल एनर्जी धागा एक हथियार को छू गया, वह गायब हो गया और उसके हाथ में फिर से प्रकट हो गया। यह ऐसा था मानो इस कौशल से अंतरिक्ष में हेरफेर किया जा रहा हो, लेकिन एस अभी तक इसे अच्छी तरह से नहीं समझ पाया था, इसलिए वह पागलों की तरह इसका अभ्यास करता रहा। ग्रेसी रात को वापस आती है। वह घर में प्रवेश करती है और लापरवाही से कहने से पहले एक कुर्सी पर आराम से बैठ जाती है। वह कैसा था? आसपास कोई नहीं था, लेकिन अचानक ट्रेनिंग ग्राउंड से एक आदमी प्रकट होता है। उसने दरवाजा नहीं खोला और सीधे दरवाजा पार कर जाता है जैसे कि वह निराकार हो। वह अपने घुटनों पर बैठ जाता है और आदरपूर्वक उत्तर देता है, युवा महिला, वह लड़का आज दोपहर और शाम केवल अभ्यास करता है। कुछ आराम के बाद वह फिर से अभ्यास करना शुरू कर देता है और एक घंटे पहले भी पागलों की तरह अभ्यास कर रहा था। मुझे लगता है कि उसने अपनी सारी एनर्जी का उपयोग कर लिया है। हम बुरा नहीं, ऐसा लगता है कि उसने जो कहा उसे लेकर वह गंभीर है और उसने मुझसे झूठ नहीं बोला। जाओ और उसे इनाम के रूप में जानवर का मांस और एक कंबल दे दो। उस पर नजर रखो, वह जीवित रहेगा एक महीने के लिए प्रशिक्षण मैदान में, और यदि वह अपने कार्य में सफल हो जाता है तो आपको याहिर के साथ खेलने के लिए एक नया अधीनस्थ मिलेगा, ग्रेसी ने शांत भाव से कहा। याहिर ग्रेसी का निजी अंगरक्षक था, जिसे उसके पिता ने व्यक्तिगत रूप से नियुक्त किया था। वह एनर्जी गेट्स क्षेत्र के चौथे गेट पर है। यदि एस लापरवाही से इधर उधर घूमता तो याहिर उस पर तुरंत हमला कर देता, लेकिन एस अपना प्रशिक्षण पूरी लगन से करता है और याहिर उसे एक मेहनती कार्यकर्ता के रूप में देखता है। यही कारण है कि याहिर पर अब एस की अच्छी छाप है। याहिर ने भावहीन होकर कहा, हाँ यंग लेडी, मैं आपकी इच्छा का पालन करूंगा। एस पागलों की तरह जमीन पर पड़ा हौंफ रहा था। उन्होंने आज अपना सब कुछ झोंक दिया और अभी भी पिकपॉकेट को इतना नहीं समझ पाए कि इसका स्तर बढ़ा सकें, लेकिन उन्हें लगता है कि वह एक महीने के अंदर ऐसा कर सकते हैं। बहरहाल उसे भूख लग रही थी, लेकिन उसे इसकी ज्यादा चिंता नहीं थी। आखिरकार अगर ग्रेसी उतनी ही लालची होती जितनी ईवा उसके बारे में बताती है, तो वह इसको तब तक कुछ नहीं होने देती जब तक उसे पता नहीं चल जाता कि वह उपयोग करने योग्य है या नहीं। जैसे ही वह भोजन के बारे में सोच रहा था, एक सुगंधित गंध उसकी नाक में प्रवेश करती है। उसने जल्दी से चारों ओर देखा और देखा कि नीले कपड़े पहने एक आदमी हाथ में ट्रे लेकर उसकी ओर आ रहा था। वह लगभग 50 वर्ष का एक बूढ़ा आदमी था, जिसके भूरे लंबे बाल और झुर्रियादार चेहरा था। वह याहिर था, अनुग्रह निजी अंगरक्षक। जब याहिर ने देखा कि एस उसकी ओर देख रहा है, तो वह एक सीनियर की तरह मुस्कुराया जो पहली बार अपने जूनियर से मिलने जा रहा था। याहिर ने ट्रे जमीन पर रख दी और गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए बोला, तुमने आज मेरी औरत के लिए कड़ी मेहनत की और ये तुम्हारा इनाम है। अगर तुम इसी तरह काम करते रहोगे तो वह तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगी, लेकिन अगर तुम उसके विश्वास को धोखा दोगे या बनाओगे गलती हुई तो मैं आपके सिर के पीछे आने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। जब याहिर ने कहा कि जब वह हत्या का गाढ़ा इरादा छोड़ता है तो उसकी आंखें बर्फीली ठंडी हो जाती हैं।
एस कांप उठता है जब उसे महसूस होता है कि याहिर हत्या का इरादा रखता है। इस बूढ़े आदमी ने कितने लोगों को मारा है। वह इस बूढ़े व्यक्ति से हैरान और भयभीत था, फिर भी उसने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया और वह हत्या का इरादा ऐसे गायब हो गया जैसे वह पहले कभी मौजूद नहीं था। और एस अंततः सांस ले सका। एस को सिर हिलाते देख याहिर फिर मुस्कुराया और जाने से पहले ट्रे वहीं छोड़ गया। जाहिर है वह एस को केवल चेतावनी देने के लिए यहाँ आया था और कुछ नहीं। एस उस दिन से ग्रेसी के प्रशिक्षण समूह में रहना शुरू कर देता है। हालांकि इससे ग्रांट परिवार में भारी हंगामा मच जाता है। जैसे हेड बटलर काइलन घटनाओं के इस अचानक मोड़ से काफी भयभीत थे क्योंकि उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। ग्रेसी को यह बर्बर पसंद आ गया और उसने उसे अपने घर में रहने भी दिया। इस खबर से हर कोई हैरान रह गया क्योंकि वे ग्रेसी के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानते हैं और वह कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगी जिससे उन्हें कोई दिलचस्पी ना हो। नतीजतन हर कोई इस बर्बर की जांच करना शुरू कर देता है जिसे ग्रेसी ने स्वीकार कर लिया। हालांकि उन्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं चल सका। जिन बुजुर्गों को बंजर भूमि के गुलामों पर नजर रखनी थी उन्हें एस के बारे में कुछ भी पता नहीं था क्योंकि परिवार में लंबे समय तक शांति रहने के बाद वे बुजुर्ग बहुत आलसी हो गए हैं। केवल अब यह नया घटनाक्रम तब घटित हुआ जब ग्रेसी ने बंजर भूमि के एक लड़के को पसंद किया और उन्हें उसके बारे में पूरी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को देनी पड़ी। लेकिन अपने आधे अधूरे रिकॉर्ड की खोज करने पर उन्हें उसके बारे में कुछ नहीं मिला। फिर भी उनके मन में ये ख्याल भी नहीं आया कि कोई इस तरह के तरीके से ग्रांट फैमिली में घुसपैठ करने की हिम्मत करेगा। ग्रांट परिवार के उच्च पदस्थ लोगों में सबसे अधिक उत्तेजित निश्चित रूप से ग्रेसी के पिता कैडेन ग्रांट थे। कैडेन ने इस मामले को सचमुच गंभीरता से लिया क्योंकि वह ग्रेसी पर सबसे अधिक ध्यान देता था और उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित था। फिर भी जब उसे पता चलता है कि उस बदमाश के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो वह क्रोधित हो जाता है और उन अकर्मण्य बुजुर्गों को बेरहमी से दंडित करता है। ये पता चलने के बाद कि उस बदमाश के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कैडेन ने ग्रेसी को बुलाया और उसे एस को उसके घर से बाहर निकालने का आदेश दिया क्योंकि वह संदिग्ध था। लेकिन ग्रेसी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और विरोध करते हुए कहा, एक महीने में मेरी परीक्षा पास करने के बाद मैं उस बर्बर व्यक्ति पर गुलामी का निशान लगाने जा रही हूँ। उसने उसे आश्वासन दिया, याहिर हर समय एस पर नजर रखता है। ग्रेसी का आत्मविश्वास देखने के बाद कैडेन केवल असहाय होकर आह भर सका, मैंने उसे बहुत बिगाड़ दिया। खैर एक नश्वर गुलाम क्या कर सकता है, शायद मैं यहाँ बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक व्यवहार कर रहा हूँ। जब उसने ग्रेसी का खिला हुआ चेहरा देखा तो उसकी आंखें पिता के प्यार से भर गईं। अंत में कैडेन ने कोई आपत्ति नहीं की और एस को नौकर के रूप में रखने के उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। लेकिन वह इस बात से बेहद हैरान था, वह उस बर्बर को निजी नौकर के रूप में क्यों चाहती थी। जब भी वह कारण पूछता तो वह रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा देती। आखिरकार उसने पूरी तरह से हार मान ली, अब वह इसकी व्यक्तिगत रूप से जांच नहीं कर सकता है ना, चूंकि यह उनकी कुलीन स्थिति के साथ उनके नीचे था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। एस को नहीं पता था ग्रेसी द्वारा उसे अपने घर में स्वीकार करने से इतनी उथल पुथल मच गई है। वह भी केवल पिकपॉकेट पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। अगर एस को इसके बारे में पता भी होता तो भी उसे इसकी कोई परवाह नहीं होती क्योंकि इवा ने उसे बार बार आश्वासन दिया था, जब परिवार उसकी जांच करेगा तो ग्रेसी निश्चित रूप से उसकी रक्षा करेगी और अपना मुंह नहीं खोलेगी। स्वार्थ और सुविधाओं के कारण वह उसे लाएगा। जैसे ही एस इस कौशल का अभ्यास करता है उसे पता चलता है कि उसके निराकार पवन कौर के साथ इसे समझना आसान था। यह एक आत्मा साधक का भी लाभ था, वे आसानी से आत्मा कौशल का अभ्यास कर सकते हैं। और एस उस समय एक हेवनली सोल कल्टीवेटर था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। देखते ही देखते एक महीना बीत गया। आज ग्रांट फैमिली यंग जनरेशन मीटिंग का दिन था। हर दो साल में ये प्रतियोगिता 12 से 18 वर्ष की उम्र के बीच पूर्व पश्चिम दक्षिण और उत्तरी जिले के युवाओं के बीच शुरू होती है। इस प्रतियोगिता ने ग्रांट परिवार के युवाओं की रैंकिंग निर्धारित की उनकी कल्टीवेशन के आधारों को मापकर। शीर्ष 10 को परिवार से कई लाभ और संसाधन मिलेंगे। तीसरी से दसवीं रैंक के भीतर का व्यक्ति परिवार के सर्वोत्तम संसाधन प्राप्त कर सकता है और उसे हर महीने 10 अर्ध सफेद ग्रेड एनर्जी गोलियां मिलती हैं जो तेजी से कल्टीवेशन करने में मदद कर सकती हैं। प्रथम और द्वितीय रैंक वालों को भी सभी लाभ मिलेंगे, लेकिन उनके लिए सबसे कीमती पुरस्कार था वे ग्रांट परिवार के पास मौजूद एकमात्र निम्न स्तरीय एनर्जी मॉडल ग्रेड कौशल सीख सकते हैं। ये बेहद कीमती और ग्रांट परिवार का सबसे बड़ा रहस्य था। केवल शीर्ष 2 ही कौशल सीख सकते हैं और केवल 2 दिनों के लिए। यदि वे इससे कुछ हासिल कर सकते हैं तो यह उनका भाग्य है और यदि नहीं तो ये भी उनका दुर्भाग्य है, क्योंकि निम्न स्तरीय नश्वर ग्रेड कौशल को याद करने के लिए व्यक्ति को एनर्जी गेट्स दायरे के चरम पर होना होगा। कौशल को सामान्य, नश्वर, योद्धा, मास्टर और रहस्यमय ग्रेड में विभाजित किया गया है।
सभी ग्रेडों को निम्न, मध्य, उच्च और निरपेक्ष स्तरों में विभाजित किया गया है। रहस्यमय ग्रेड से ऊपर के कौशल के लिए वे सभी प्राचीन संप्रदायों के हाथों में थे। रिवर फ्लावर शहर जैसे दो स्टॉट सिटी में केवल दो निम्न स्तरीय मॉडल ग्रेड कौशल होते हैं और उनमें से एक सिटी लॉर्ड हवेली में था, जबकि दूसरा ग्रांट के परिवार के मुखिया रिलन ग्रांट के हाथों में था। सामान्य ग्रेड कौशल को सामान्य माना जा सकता है क्योंकि वे तीन सितारा शहरों में भी पाए जा सकते हैं। हालांकि योद्धा ग्रेड कौशल पर सभी राज्यों का एकाधिकार था। यदि उन्हें ये समाचार भी मिल जाए कि योद्धा स्तर का कौशल किसी तुच्छ नगर के हाथ में है, तो ये राजद्रोह माना जाएगा और उस नगर तथा उसमें रहने वाले प्रत्येक प्राणी का अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। यही कारण है कि ग्रांट परिवार के ये युवा इस निम्न स्तरीय नश्वर ग्रेड कौशल के लिए दिन रात एक कर देते हैं। यहां तक कि उन बुजुर्गों को भी इसे छूने की अनुमति नहीं थी और वे हमेशा इसे सीखना चाहते थे, लेकिन रिलन ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। उन्होंने केवल उन लोगों को अनुमति दी जिन्होंने परिवार के प्रति मूल्य दिखाया और तो और हुनर का नाम भी कोई नहीं जानता। ये ग्रांट परिवार का शीर्ष रहस्य था। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। ऐसे समय एक वफादार नौकर की तरह औपचारिक रूप से ग्रेसी के पीछे चल रहा था। उसके हाथ में एक लंबा थैला था और उसमें दो सुंदर लंबी तलवारें थी। ग्रेसी बैठक स्थल की ओर चल रही थी। दरअसल उसे अपनी तलवारें ले जाने के लिए एस की जरूरत नहीं थी, लेकिन एस इस पर जोर देता है क्योंकि उसे चुराए गए सभी सामानों को रखने के लिए इस बैग की जरूरत थी। जब ग्रेसी ने ये कारण सुना तो वह तुरंत इस पर सहमत हो गई और एस को एक लंबी डोरी वाला बैग दिया। उसने एक और तलवार भी चुन ली क्योंकि केवल एक तलवार के कारण वह बैग बहुत खाली लग रहा था। एस इससे खुश था, अब किसी को शक नहीं होगा। कुछ समय बाद एस ने अपनी दृष्टि में एक बड़ा खुला मैदान देखा जो गतिविधि से भरपूर था। ये ग्रांट फैमिली यंग जेनरेशन मीटिंग का था न था। ग्रांट परिवार आखिरकार आंतरिक क्षेत्र का दूसरे दर्जे का परिवार था, इसलिए इस प्रतियोगिता ने कई अलग अलग शक्तियों को एक साथ ला दिया। ग्रांट परिवार के कनिष्ठों के बीच प्रतियोगिता देखने के लिए ये महत्वपूर्ण पात्र यहाँ आए थे। परिवार के कनिष्ठ सदस्यों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना उत्साह से चरम पर थी, जिसे देखने के बाद ये सभी लोग उनके भव्य प्रदर्शन को देखने के लिए यहाँ आए। शाम को एक चौड़े मैदान में सभा हुई। कई मेहमान इधर उधर हलचल कर रहे थे। ग्रांट की पारिवारिक प्रसिद्धि और शक्ति के कारण विभिन्न अन्य परिवारों के कुछ परिवार प्रमुख आए, लेकिन उनके बीच जटिल रिश्ते के कारण सिटी लॉर्ड्स परिवार से कोई नहीं आया। ग्रांट परिवार के विस्तृत क्षेत्र में विभिन्न आंतरिक क्षेत्र के परिवारों की कनिष्ठ पीढ़ियों के कई सदस्य एकत्र हुए थे। हालांकि उनके बीच ये मुकाबले भव्य और जोरदार होने वाले थे, लेकिन सभी का ध्यान फिलहाल एक भव्य मंच पर था जो आयोजन स्थल के केंद्र में स्थापित किया गया था। कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करने से पहले ग्रेसी पीछे मुड़ी और ऐसे फुसफुसाई, तुम्हें केवल प्रतियोगिता के प्रतिभागियों से चोरी करनी है। उन उच्च स्तरीय मेहमानों, विशेषकर परिवार के मुखिया और बुजुर्गों को सचेत न करें। अगर उन्हें इसके बारे में पता चला तो तुम मर जाओगे इससे पहले कि आप जाने। उसने एस के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की और कार्यक्रम स्थल में प्रवेश कर गई। एस का रंग उदास था। उसने नहीं सोचा था कि ग्रेसी का ये छोटा सा परीक्षण इस तरह के विस्फोटक था न पर होगा, और उसे लगा कि इससे उसे धोखा दिया गया है। शॉर्टी, ये परेशानी भरा होने वाला है, एस ने उदास होकर सोचा। कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करने के बाद एस ने केंद्र में एक बड़ा भव्य मंच देखा और मंच के केंद्र पर एक स्तंभ था जिस पर एक सफेद क्रिस्टल बॉल रखी थी। वह क्रिस्टल बॉल एक वयस्क मानव सिर के आकार की थी। भव्य मंच के चारों ओर आलीशान सीटें थी और उनमें केवल बूढ़े दिखने वाले और कुछ मध्यम आयु वर्ग के पुरुष बैठे थे। वे सभी आलीशान कपड़े पहने हुए थे और एक दूसरे से बातें करते हुए किसी तरह की शराब पी रहे थे। वह केवल उनके चारों ओर उच्च एनर्जी उतार चढ़ाव से बता सकता था कि वे सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ग्रेसी सीधे अपने परिवार के जूनियर्स एरिया की ओर जाती हैं। वहां केवल 10 सीटें थी और सभी लोग उनके पीछे खड़े थे। जब उन युवाओं ने ग्रेसी को देखा तो उन्होंने तुरंत अपना जाल बंद कर दिया क्योंकि वे इस छोटे शैतान को परेशान करने से काफी डरते थे। सबकी सतर्क निगाहें देखकर ग्रेसी तिरस्कृत हो गई और दाहिनी ओर से तीसरी सीट पर बैठ गई। उसके अलावा 2 सीटें थीं जिन पर 2 युवक बैठे थे। जो पहली सीट पर भावहीन लेकिन सुंदर चेहरे के साथ बैठता है वह फेलिक्स ग्रांट है, और जो फेलिक्स के बगल में बैठता है वह रूबेन ग्रांट है, जिसका सांवला रंग एक साधारण चेहरा है। फेलिक्स को पिछली बैठकों में नंबर 1 का दर्जा दिया गया था और वह ग्रांट परिवार की इस पीढ़ी की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा भी थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह रिलन ग्रांट का सबसे छोटा बेटा था। वहीं पिछली मीटिंग में रूबेन दूसरे और ग्रेसी तीसरे था न पर थी। ग्रेसी रूबेन से नफरत करती है क्योंकि वह जब भी उसे देखता था तो हमेशा उसे एक नंबर 3 सिस्टर कहकर चिढ़ाता था, इसलिए वह ज्यादातर समय उससे बचती रहती है। इसके अलावा वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास कल्टीवेशन में उत्कृष्ट प्रतिभा है और वह परिवार के मुखिया और फेलिक्स के अच्छे दोस्त का भी पसंदीदा था।
यहाँ तक कि उसके पिता भी उसके सामने असहाय थे। इस साल ग्रेसी 18 साल की हो गई हैं और यह उनकी आखिरी प्रतियोगिता है। नतीजतन वह इस बार रूबेन को हराने के लिए कृतसंकल्प थी। फेलिक्स और रूबेन के लिए भी यही बात लागू होती है। ये तीनों हमेशा एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं, लेकिन फेलिक्स ने इतने सालों में इनमें से किसी को भी अपने से आगे नहीं निकलने दिया। ग्रेसी फेलिक्स का स्वागत करने ही वाली थी कि तभी उसने भीड़ से भारी हंगामा सुना और ये देखने के लिए पीछे मुड़ी कि क्या हुआ। रूबेन जो ग्रेसी को छेड़ने वाला था वह गंभीर हो जाता है। गहरे भूरे लंबे बालों और सुंदर चेहरे वाला 1.8 मीटर लंबा मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति घमंड से कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करता है। उन्होंने सुंदर सुनहरी कढ़ाई वाला शानदार रेशमी वस्त्र पहना हुआ था। वह लापरवाही से मंच की ओर बढ़ता है और केंद्र में सबसे आकर्षक सीट पर बैठ जाता है। उसने किसी का अभिवादन करने की जहमत भी नहीं उठाई और आंखें बंद करके सुनहरी कुर्सी पर बैठ गया। फिर भी कोई भी नाराजगी या गुस्सा दिखाने की हिम्मत नहीं करता। वे उस आदमी के अहंकार को देखकर भी मोटे तौर पर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वह ग्रैंड परिवार का वर्तमान प्रमुख रिलन ग्रांट था। रिलन के बगल में एक आदमी था जो उसके जितना लंबा नहीं था लेकिन छोटा भी नहीं था। उसका चेहरा रिलन से काफी मिलता जुलता था और वह रिलन के ठीक बगल वाली सीट पर बैठा था। वह ग्रेसी के पिता और रिलन के छोटे भाई कैडेन ग्रांट थे। रिलन ने तेजी से अपने हाथ से इशारा किया जबकि उसकी आंखें अभी भी बंद थी। यह एक संकेत था। हर कोई समझता है कि उस इशारे का क्या मतलब है। आखिरकार बैठक शुरू होने वाली थी। राइलन के सिग्नल को पहचान कर अब कोई भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं करता। इसी खामोशी में 60 साल का एक बूढ़ा आदमी मंच के केंद्र की ओर बढ़ता हुआ सबकी नजरों में आ गया। वह ग्रांट परिवार इजेकील ग्रांट के बुजुर्ग थे। आयोजन स्थल पर सभी का अभिवादन करते हुए इजेकील के चेहरे पर हल्की मुस्कान है। देवियों और सज्जनों, युवा पीढ़ी की मेरी ग्रांट फैमिली मीटिंग में आपका स्वागत है। आइए तुरंत मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू करें। उसने बेकार की बकवास बोलने और सीधे बैठक शुरू करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि रिलन को समय बर्बाद करना पसंद नहीं था। रिलन शायद ही कभी अपना चेहरा दिखाता है, क्योंकि वह हमेशा कल्टीवेशन पर ध्यान केंद्रित करता था और जितनी जल्दी हो सके एनर्जी फाउंडेशन बिल्डिंग क्षेत्र तक पहुंचना चाहता था। अधिकांश समय इस प्रकार के मामले कैडेन द्वारा ही संभाले जाते थे, लेकिन इस बार यह उनके सबसे छोटे बेटे फेलिक्स की आखिरी मुलाकात थी, इसलिए वह इस कार्यक्रम में शामिल हुए। यही कारण है कि इस बार इतने सारे महत्वपूर्ण पात्र अपनी वफादारी और समर्थन दिखाने के लिए आए। ये सब इसलिए था क्योंकि रिवर फ्लावर सिटी में सिटी लॉर्ड के बाद रिलन दूसरा सबसे मजबूत आदमी था। एक बार जब वह अगले क्षेत्र में प्रवेश कर लेगा तो उसका अस्तित्व सिटी लॉर्ड के समान स्तर पर होगा। कई परिवार जो लेटन परिवार का समर्थन नहीं कर सकते, वे ग्रांट फैमिली जहाज पर कूदने के लिए यहाँ आए, जबकि रिलन अभी भी कमजोर था। इजेकील ने जोर से कहा, मैं सभी को जल्दी से नियम समझाता हूँ। सबसे पहले केवल 18 वर्ष और उससे कम उम्र के युवा ही प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। दूसरे, प्रत्येक जूनियर को इस व्हाइट कल्टीवेशन मेजरिंग क्रिस्टल द्वारा मूल्यांकन करने का केवल संकेत मौका मिलेगा। उद्धरण, जैसा कि उसने कहा, उसने अपने बगल में सफेद क्रिस्टल की ओर इशारा किया। ये व्हाइट कल्टीवेशन मेजरिंग क्रिस्टल एनर्जी फाउंडेशन बिल्डिंग दायरे के नीचे कल्टीवेशन को माप सकता है। मूल्यांकन के बाद तीसरे शीर्ष 3 से 10 रैंक वाले प्रतिभागी पहले और दूसरे रैंक वाले को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन केवल एक बार। यदि कोई पहली या दूसरी रैंक के प्रतिभागियों को हरा सकता है तो वे अपना स्थान न ले सकते हैं और हारने वाला विजेता को चुनौती नहीं दे सकता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की, इस बैठक में कुल 42 प्रतिभागी हैं। हम इन 42 प्रतिभागियों में से सबसे कम उम्र के प्रतिभागियों से शुरुआत करेंगे। इजेकील ने प्रतिभागियों की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए घोषणा की। एक छोटा लड़का जो 12 साल का लगता है सबकी उत्सुक निगाहों के सामने घबराकर मंच की ओर चलना शुरू कर देता है। वह स्पष्ट रूप से उन सभी में सबसे छोटा था। ये छोटा लड़का क्रिस्टल को तीव्रता से मापते हुए सफेद कल्टीवेशन की ओर बढ़ा। यह उनकी पहली मुलाकात थी। लड़के की घबराहट देखकर इजेकील ने शांत स्वर में कहा, लड़के चिंता मत करो, बस अपने हाथ मापने वाले क्रिस्टल पर रखो और उसमें अपनी एनर्जी डालो। जब हम देखेंगे कि तुम्हारी साधना का स्तर क्या है तो अब जाओ। उस छोटे लड़के ने एक गहरी सांस ली और अपने हाथ क्रिस्टल पर रखे और अपनी एनर्जी डाल दी। अगले ही पल कुछ जादुई हुआ। सफेद पारदर्शी क्रिस्टल अचानक चमकने लगा और एक छोटा सा द्वार बनना शुरू हो गया। वह गेट हल्के पीले रंग का था। एनर्जी गेट्स क्षेत्र का पहला गेट निचला। इजेकील ने संतुष्टि में सिर हिलाते हुए घोषणा की। इजेकील मुस्कुराते हुए कहता है, अगला। ये कल्टीवेशन मापने वाला क्रिस्टल 5 अलग अलग रंगों के गेट में बदल सकता है, जो एनर्जी गेट्स दायरे 5 सेल्फ गेट्स का प्रतीक है। पहले गेट के लिए पीला रंग, दूसरे गेट के लिए नारंगी, तीसरे गेट के लिए हरा, चौथे गेट के लिए भूरा और पांचवें गेट के लिए सुनहरा रंग। जहां तक निम्न, मध्य और उच्च की बात है तो ये रंग की गहराई पर निर्भर करता है।
आपके क्षेत्र का द्वार जितना उज्जवल होगा आपका अंतिम मूल्यांकन उतना ही अधिक होगा। चूंकि मापने वाले क्रिस्टल में हल्का पीला गेट दिखा, इसका मतलब था कि इस निकाय ने हाल ही में पहला गेट खोला है। यदि वह सफलता के करीब था या प्रथम गेट के शिखर पर था तो क्रिस्टल जो रंग दिखाएगा वह सबसे चमकीला पीला होगा। छोटा लड़का गर्व से मुस्कुराया, आखिरकार वह केवल 12 वर्ष का था और पहले से ही एक कल्टीवेटर था। वह यहाँ पुरस्कार के लिए नहीं बल्कि केवल अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए आए थे। एस ने ये सब देखा और वह उस सफेद क्रिस्टल से काफी मोहित हो गया। उन्होंने नहीं सोचा था कि कोई कल्टीवेशन को ऐसे भी माप सकता है। अब वह वास्तव में मंच पर जाकर अपनी स्वर्गीय कल्टीवेशन का परीक्षण करना चाहता था। वह देखना चाहता था कि क्या वह चीज स्वर्गीय एनर्जी को माप सकती है या नहीं। किसी को ये जानना होगा कि उसके सभी प्रयासों के बाद एस अब स्वर्गीय द्वार के प्रथम द्वार के शिखर पर था। दूसरा गेट खोलने के लिए उसे बस कुछ अनुभव और अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है। एस अब उस खिलौने से खुश नहीं था और अगले प्रतिभागी को मंच की ओर बढ़ते देखकर अपना काम शुरू करने के लिए तैयार था। जब सबका ध्यान उस प्रतिभागी पर केंद्रित हुआ तो एस ने अपनी आंखें बंद कर ली। तेजी से सोल एनर्जी के निराकार महीन धागे उसके दाहिने हाथ की प्रत्येक उंगली से निकलने लगते हैं। ये धागे कठपुतली की डोर की तरह उसकी उंगली के चारों ओर नाच रहे थे। वह सोल एनर्जी के साथ इन तारों में हेरफेर करता है और तीर की तरह ये 5 तार मंच के अलावा खड़े प्रतिभागियों की ओर बढ़ते हैं। कोई भी इन धागों को देख या समझ नहीं सकता है यदि वे आत्मा साधक नहीं है या उनका मार्शल कल्टीवेशन आधार से 2 पूरे क्षेत्रों से अधिक है। एस ने इन बारीक धागों को सोल थ्रेड्स कहा। आत्मा सूत्र उसके निराकार पवन आत्मा कोर से बने थे। निसंदेह उन्हें ये शानदार विचार जेबक्तरा कौशल से मिला। चूंकि पिकपॉकेट कौशल एक एनर्जी ट्रेड बना सकता है और इसे एनर्जी के साथ भी था नांतरित कर सकता है, ऐसा आत्मा एनर्जी के साथ इन धागों को बनाने की कोशिश करता है और वह आसानी से सफल हो जाता है। यह ऐसा था जैसे ये धागे महज यादृच्छिक तरकीबें थी जिन्हें वह हेवन स्टीलर तकनीक के साथ कभी भी निष्पादित कर सकता है। एस हेवन स्टीलर तकनीक से आश्चर्यचकित था। जो सिस्टम उसे देता था ऐसा लगता था जैसे वह इसके साथ कुछ भी कर सकता है जब तक वह इसकी कल्पना कर सकता है। सभी सोल त्राज 5 प्रतियोगियों की कमर के चारों ओर लिपटे हुए हैं। एस तुरंत मध्य स्तरीय पिक पॉकेट कौशल को सक्रिय करता है जिसका उसने इस पूरे महीने अभ्यास किया था। पिकपॉकेट तुरंत सक्रिय हो गया लेकिन इस बार इसने कोई नया धागा नहीं बनाया और सीधे पहले से बने आत्मा धागों पर लगा हुआ था। ऐसे ही आत्मा के तार गायब हो गए और एस को लगा कि उसके हाथ में बैग थोड़ा भारी हो गया है। वह व्यापक रूप से मुस्कुराता है, यह इस तरह से बहुत आसान है। वह खुश था क्योंकि उसने बिना किसी परेशानी के एक ही समय में 5 लोगों को लूट लिया और किसी को उसकी भनक तक नहीं लगी। अपने पहले समापन के बाद एस किसी पेशेवर चोर की तरह बन गया और जब भी कोई नया प्रतिभागी मंच की ओर बढ़ता तो वह इन गड़बड़ियों का फायदा उठाता और चोरी करता। 2 घंटे के बाद ग्रेसी, फेलिक्स और रूबेन को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी का कल्टीवेशन मापने का परीक्षण किया गया। एस थोड़ा उदासीन था क्योंकि आत्मा के धागे उसकी आत्मा और दिमाग पर काफी असर डालते हैं। हालांकि जब वह सिस्टम के काले पैनल को देख रहा था तो उसकी आंखें चमक रही थी। जेब उठाओ सफलता, होस्ट चोरी, 62 कचरा ग्रेड की गोलियां, आधा सफेद ग्रेड और 12,184 रूबी सिक्के। इनाम 12 चोर अंक टीपी 52। एस ने ये सब चुराने में 2 घंटे लगाए और अब केवल फेलिक्स और रूबेन ही बचे थे। वह थोड़ा उलझन में था और उसने उन पर अपने कौशल का प्रयोग नहीं किया। इसका कारण ये था कि उसे डर था कि वे कुछ नोटिस कर लेंगे क्योंकि वे उसके सबसे करीब थे। नंबर 3 बहन, अब आपकी बारी है, रूबेन पहली बार ललचाने वाले लहजे में बोलता है। चूंकि कैडेन यहाँ था इसलिए वह उसे ज्यादा नहीं छेड़ सकता। हम्फ, ग्रेसी केवल झुंझलाकर बोली और मंच की ओर बढ़ी। उसने उसकी ओर देखा तक नहीं। इजेकिल ने ग्रेसी के साथ अन्य सभी कनिष्ठों की तरह व्यवहार करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत उसे अपने साथ ले गया। ग्रांट के परिवार में उसका बहुत ऊंचा दर्जा है और इसके अलावा अनियंत्रित होने के कारण उसकी बहुत खराब प्रतिष्ठा है। युवा मिस कृपया, इजेकिल ने सम्मान पूर्वक इशारा किया। सभी दर्शक चुप हो गए, उन्हें ये भी पता है कि यह युवा लड़की कौन थी। ग्रेसी को मंच पर आते देख कैडेन धीरे से मुस्कुराता है। वह उसकी इकलौती संतान थी और वह उससे बहुत प्यार करता था, इसीलिए वह हमेशा उसे बिगाड़ता था और उसकी गलतियों के लिए उसे सजा नहीं देता था। ग्रेसी ने दूसरों की तरह ही जेकील का अभिवादन नहीं किया, उसने उसे नोटिस भी नहीं किया। उसने केवल अपने पिता की ओर देखा और मीठी मुस्कान बिखेरी। वह अचानक मुड़ती है और रूबेन की ओर ठंडी मुस्कान देती है। रूबेन की शुरुआत हुई और उस कठोर मुस्कान को देखकर उसके दिल में एक बहुत बुरी भावना पैदा हुई। ग्रेसी ने धीरे से अपने हाथ क्रिस्टल पर रखे और अपनी एनर्जी डाल दी। कल्टीवेशन मापने वाला क्रिस्टल चमकने लगा और एक हल्का नारंगी गेट बन गया। एनर्जी गेट्स क्षेत्र का दूसरा गेट नीच। इतनी कम उम्र में दूसरे गेट तक पहुंचने के लिए बधाई।
इजेकील ने जोर से घोषणा की। ग्रांट के परिवार की यह युवा कुमारी वास्तव में एक प्रतिभाशाली है। भीड़ भी सदमे में चिल्लाने लगती है। मास्टर कैडेन को इतनी प्रतिभाशाली बेटी होने पर बधाई। कैडेन के पास बैठे परिवार के मुखिया उसे हार्दिक बधाई देने लगते हैं। आप सभी बहुत दयालु हैं। वह छोटी लड़की अपने दम पर कड़ी मेहनत करती है। मैंने कुछ खास नहीं किया, कैडेन ने जवाब देते हुए कान से कान मिलाकर मुस्कुराया। उसने गर्व से भरे चेहरे के साथ अपनी छाती सीधी कर ली। यदि आपके पास ठोस आधार न हो तो मांसपेशी के दूसरे द्वार को खोलना बहुत कठिन था। कुछ लोग पहला गेट जल्दी खोल देंगे लेकिन वर्षों तक इसी बिंदु पर अटके रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति पहले गेट के बाद 3 से 4 साल में दूसरा गेट खोल सकता है तो उस व्यक्ति को शहरों की भूमि में प्रतिभाशाली माना जाता है। एस ने ये सारा हंगामा देखा और तिरस्कार पूर्वक सोचा, मेरी छोटी बहन ने पहले ही पहला गेट खोल दिया है जब वह केवल 7 वर्ष की थी, और मुझे निश्चित रूप से पता है उसकी रक्तधारा जागृत होने के बाद उसे पहले ही सफलता मिल चुकी है। यहाँ ये सभी लोग संकीर्ण सोच वाले हैं, एस अपनी छोटी बहन के बारे में सोच रहा था। जब रोबेन और फेलिक्स पर बंद उसकी आत्मा में झुंझुनी हुई, उसे तुरंत एहसास हुआ कि रोबेन की भावनाएं कुछ अस्थिर हो गई हैं और वह इसी तरह के अवसर की तलाश में था। उसने जल्दी से रूबेन की कमर की ओर एक आत्मा धागा भेजा और पिक पॉकेट का उपयोग किया। रूबेन को कुछ भी ध्यान नहीं आया क्योंकि उसका दिमाग अभी किसी कारण से गड़बड़ था। जेब उठाओ सफलता, होस्ट की चोरी, 7 ट्रैश ग्रेड की गोलियां, आधा सफेद ग्रेड और 4904 रूबी सिक्के। इनाम 2 चोर अंक, चोर अंक TP54। एस ने सीधे अपने दिमाग में सिस्टम की आवाज सुनी। उसने अपनी खुशी जाहिर नहीं की और रुतबे की तरह अपनी जगह पर खड़ा रहा। अब वह ग्रेसी के मिशन को पूरा करने से केवल एक कदम दूर था। केवल फेलिक्स ही बचा था, लेकिन एस ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि फेलिक्स रिलन ग्रांट का बेटा था। इसके अलावा ये फेलिक्स बहुत शांत था और अपने परिवेश के प्रति बहुत सतर्क था। उन्होंने कोई ओपनिंग नहीं दिखाई। एस को फेलिक्स की पैसों की थैली चुराने का पूरा भरोसा था, लेकिन यह निश्चित रूप से भविष्य में रिलन और ग्रांट परिवार को सचेत कर देगा और ये उनके लिए काफी परेशानी भरा होगा। चूंकि उसने सभी प्रतिभागियों को लूट लिया है, वे बुजुर्ग निस्संदेह इस अप्राकृतिक घटना की जांच करेंगे। लेकिन अगर वह परिवार के मुखिया बेटे से चोरी करता है तो संभव है कि रिलन खुद कार्रवाई करेगा। इसलिए उसने ग्रेसी के वापस आने का इंतजार करने का फैसला किया और उससे पूछा कि क्या वह फेलिक्स को छोड़ सकता है। ग्रेसी किसी अहंकारी मोर की तरह अपना सिर ऊंचा करके वापस अपने स्थान पर चली जाती है। वह रूबेन के पास बेपरवाही से बैठती है और अर्थपूर्ण ढंग से कहती है, पूर्व नंबर 2 भाई, अब आपकी बारी है। हे, जब रूबेन सुनता है तो पूर्व के चेहरे की मांसपेशियां अनियंत्रित रूप से हिलती हैं और उसके शरीर में एक कपकपी दौड़ जाती है। रूबेन ने ग्रेसी को छेड़ने की हिम्मत नहीं किया। वह अब मूड में नहीं था क्योंकि वह जानता था कि अभी उसका परिणाम देखने के बाद क्या होने वाला था। वह एक गहरी सांस लेता है और उदास भाव के साथ मंच पर चलना शुरू कर देता है। इजेकील ने रूबेन को आते देखा और ग्रेसी की तरह उसका स्वागत करने ही वाला था, लेकिन वह रुक गया क्योंकि उसने रूबेन के कड़े मग को देखा और केवल विनम्रता से कहा, यंग मास्टर, कृपया। रूबेन ने बलपूर्वक अपनी डगमगाती भावनाओं को शांत किया और अपने कांपते हाथों को क्रिस्टल पर रखा और एनर्जी डाला। कल्टीवेशन मापने वाला क्रिस्टल बदलना शुरू हो जाता है और एक चमकीले पीले रंग का दरवाजा बनता है। सस्सी, जब इजेकील ने ये देखा तो उसने ठंडी हवा का झोंका लिया। अब वह समझ गया है कि रूबेन का चेहरा कोयले जैसा क्यों था, और वह ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन अफसोस, उसे एनर्जी गेट्स का पहला गेट ऊंचा। ये सुनने के बाद भीड़ चिल्लाने लगी, खासकर ग्रांट के परिवार के कनिष्ठ और बुजुर्ग सभी समान रूप से चिल्लाने लगे। वे इसलिए प्रसन्न हैं क्योंकि यह पहली बार था कि बैठक की शुरुआत से रैंकिंग बदल गई है और दूसरे और तीसरे स्थान पर भी बदलाव की खुशी हुई। क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि रूबेन ग्रेसी से अधिक प्रतिभाशाली था, वह उससे कमजोर क्यों था? भीड़ में किसी ने धीमी आवाज में पूछा। वह पिछली 2 बैठकों से दूसरी रैंक जीत रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि इस साल उसकी कल्टीवेशन में बाधा आ गई है। किसी जानकार को उत्तर दें। सारी भीड़ एक ही तरह की चर्चा में डूबी हुई थी। मंच पर रिलन और कैडेन की सीटों के पीछे एक बुजुर्ग बैठे थे। वह इस समय कुर्सी की बाहों को कसकर भींच रहा था। उन पर कुछ दरारें पड़ गई थी। ऐसा लगता है कि वह काफी गुस्से में थे। वह रूबेन के पिता और ग्रांट परिवार में लोग ग्रांट के तीसरे क्रम के बुजुर्ग थे। मिलोक की रैंक केवल कैडेन से नीचे थी और रूबेन उसका गौरव और खुशी था। चूंकि रूबेन फेलिक्स की दोस्ती जीतने में भी कामयाब हो जाता है और इसी तरह रिलिन का भी ध्यान आकर्षित होता है। मिलोक अपने बेटे की सभी उपलब्धियों से काफी संतुष्ट थे। कैडेन के साथ मिलोक के रिश्ते हमेशा खराब रहे। यही कारण है कि वह अपने बेटे को ग्रेसी को दबाने और फेलिक्स और ग्रेसी के रिश्ते के बीच दरार पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, और कैडेन फेलिक्स और रिलिन के कारण खुले तौर पर उसके साथ कुछ नहीं कर सका। हालांकि अब रूबेन ने ग्रेसी से अपना दूसरा स्थान न खो दिया है, इसीलिए मिलोक बेहद उदास मूड में था।
क्योंकि उसकी नजर हमेशा कैडेन की स्थिति पर थी और अब उसके पास अपनी योजनाओं को बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मिलोग कुछ सोच रहा था तभी सामने से एक व्यंग्यपूर्ण आवाज उसके कानों में प्रवेश करती है, थर्ड एल्डम मेरी संवेदना। ये स्पष्ट रूप से कैडेन था जो अपने चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान के साथ मिलोग को देख रहा था। मिलोग की लंबी दाढ़ी गुस्से में कांपती है और लगभग खून की उल्टी करती है। ये कमीना, उसने मन ही मन धिक्कारा। मिलोग आखिरकार एक बूढ़ा लोमड़ी था और उसने अपने गुस्से पर जबरदस्ती काबू किया और जोरदार लेकिन बदसूरत मुस्कान के साथ कहा, मास्टर कैडेन, मैं छोटी ग्रेसी के प्रदर्शन से बहुत खुश हूं और वह अंततः उस घमंडी लड़के को हरा देती है, इससे उसे सबक मिलेगा। उनके आसपास बैठे दूसरे मेहमानों की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी, वे दोनों में से किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते थे। जब कैडेन ने मिलोग का बदसूरत चेहरा देखा तो वह दिल खोलकर हंसा और इस मामले को अब और नहीं दबाया। वह इस धूर्त बूढ़े लोमड़ी और उसके तरीकों को अच्छी तरह से जानता था। यदि मिलोग देखता कि स्थिति उसके विरुद्ध है तो वह इससे बाहर निकलने के लिए गधे को भी अपना पिता कह देता। ग्रेसी ने देखा कि रूबेन राग चेहरे के साथ वापस आ रही थी और उसे लगा कि उसका मूड काफी अच्छा हो रहा है। ऐसा कैसे नहीं हुआ, ये लड़का हमेशा उसे चिढ़ाता था और उसका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता था, फिर भी इस बार उसने उसे ईमानदारी से हरा दिया। इस साल उसे एक भाग्यशाली सफलता मिली, इस तरह वह दूसरा गेट खोलने में सफल रही। अगर रूबेन ने उसे चुनौती भी दी तो भी वह उसे आसानी से हरा देगी, आखिरकार वह उससे एक स्तर ऊपर थी। नायक नंबर 3, भाई क्या आप मुझे चुनौती देंगे? रूबेन को इतनी आसानी से अपमानित करने का यह मौका ग्रेसी कैसे जाने दे सकती थी? रूबेन के पूछने पर सभी चुप हो गए और उनका ध्यान रूबेन पर केंद्रित हो गया। यहाँ तक कि फेलिक्स भी, जिसने कोई भावना नहीं दिखाई, इस दृश्य को मनोरंजन के साथ देख रहा था। रूबेन एक भूत की तरह पीला पड़ जाता है, सारा ध्यान उस पर होने से। वह वास्तव में ग्रेसी को चुनौती देना चाहता था, लेकिन मंच से बाहर निकलने से पहले उसने अपने पिता का विशेष संकेत देखा। मिलोग साफ तौर पर उसे नीचे खड़े होने के लिए कह रहा था। मिलोग को पता है कि अगर रूबेन ने ग्रेसी को चुनौती दी तो हालात उसके पक्ष में नहीं थे, वह और भी बुरी तरह हार जाएगा। इसलिए वह रूबेन को उसे चुनौती न देने का संकेत देता है। हा 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 हा, रूबेन ने रूखी हंसी हंसते हुए जबरन बदसूरत मुस्कान के साथ कहा, मैं छोटी बहन ग्रेसी को कैसे चुनौती दे सकता हूँ? चूंकि हम परिवार हैं, इसलिए हमें एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए। वह क्रोध से अपने दांत पीस रहा था। यदि उसके पिता न होते तो उसने पहले ही उसे चुनौती दे दी होती, इसलिए वह केवल एक पिटे हुए कुत्ते की तरह चुपचाप बैठ सकता था। भीड़ बहुत निराश थी, उन्होंने सोचा कि ग्रांट के परिवार के दो शीर्ष जूनियरों के बीच लड़ाई देखना बहुत मनोरंजक होगा। लेकिन अंत में रूबेन हार गया। रूबेन की बेशर्मी से ग्रेसी भी अवाक रह गई और उसे पीटना चाहती थी, लेकिन यह इसके लिए जगह नहीं थी। अब चूंकि वह उससे अधिक ताकतवर थी, इसलिए वह उसे शांति से नहीं रहने देगी और वर्षों की शिकायत का बदला लेने में अपना मधुर समय बर्बाद कर देगी। ओह धन्यवाद नंबर 3 भाई, उसने उसे फिर से नजरअंदाज कर दिया। नंबर 3 सुनते ही रूबेन और अधिक क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन अफसोस कि वह वर्षों पहले की ग्रेसी की तरह अब भी कुछ नहीं कर सकता। वह जानता है कि अब से उसका जीवन कष्ट में होने वाला है। एस ने उत्सुकतावश ग्रेसी के पीछे से ये सब देखा। इस तरह की स्थिति उन्होंने पहली बार देखी थी। एस ने स्पष्ट रूप से देखा कि रूबेन कुछ क्षण पहले ग्रेसी के सामने कैसे अहंकारपूर्ण व्यवहार कर रहा था, जब उसे लगा कि वह उससे अधिक मजबूत है। लेकिन अब जब रूबेन को पता चला कि वह उसे हरा नहीं सकता, वह तुरंत विनम्र व्यवहार करना शुरू कर देता है। मजबूत और ताकतवर होने का यही मतलब है, उन्होंने सोचा, और इस कल्टीवेशन की दुनिया और सबसे महत्वपूर्ण मानव प्रकृति से आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। ये सब देखकर ईजेकिल केवल विलाप करता है और फिर जोर जोर से बोलता है, अब हम जानते हैं कि यंग मास्टर रूबेन यंग मिस ग्रेसी को चुनौती नहीं देना चाहते थे। हम इस बैठक के अपने अंतिम प्रतियोगी की ओर बढ़ सकते हैं। वह फेलिक्स को नियमित रूप से बुलाने ही वाला था कि उसे एक शक्तिशाली दबाव महसूस हुआ। ईजेकिल घबरा गया और उसने सोचा कि ये दुश्मन का हमला है, लेकिन वह हिल भी नहीं सका। हालांकि दबाव अगले ही पल गायब हो गया और ठंडे पसीने से भीगते हुए ईजेकिल ने पलट कर देखा, जब उसने देखा कि रिलन ने अंततः अपनी आंखें खोली हैं और उसे भावहीन रूप से देख रहा है। वह तुरंत मंच से भाग जाता है, क्योंकि वह जानता था कि रिलन क्या करने वाला है। हर कोई हैरान हो जाता है जब ईजेकिल उस चूहे की तरह भाग गया जिसने बिल्ली को देखा था। लेकिन अगले ही पल रिलन के खड़े हो जाने के कारण किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। जब सभी ने ये देखा तो जो लोग बैठे थे वो भी तुरंत खड़े हो गए। कोई भी रिलान को नाराज नहीं करना चाहता। रिलन ने किसी की तरफ नहीं देखा और धीरे धीरे भव्य मंच पर चलने लगा। राइलन की आंखें अचानक प्रतिभागी के क्षेत्र में टिक गईं। वह भावहीन होकर फेलिक्स को देख रहा था। फेलिक्स ने रिलन को देखा और पहली बार मुस्कुराया, ये देखकर कि उसके पिता उसे देख रहे थे। वह जानता था कि उसके पिता अपने बच्चों का उनकी आखिरी प्रतियोगिता में मूल्यांकन स्वयं करेंगे।
इस तरह रिलन स्नेह दिखाता है। आना, रिलन की तेज आवाज कार्यक्रम स्थल में गूंज उठी। किसी ने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वे जानते थे कि रिलन फेलिक्स को बुला रहा था और पिता और पुत्र के लिए इस पल को बर्बाद करके मरना नहीं चाहता था। मंच की ओर बढ़ते हुए फेलिक्स मोटे तौर पर मुस्कुराया। वह सचमुच खुश था क्योंकि उसके पिता यह नहीं भूले थे कि यह उनकी आखिरी प्रतियोगिता थी। उसकी माँ मर चुकी थी और उसकी बड़ी बहन पहले ही शादीशुदा थी। यहाँ तक कि उसका बड़ा भाई भी, जिसकी वह सबसे अधिक प्रशंसा करता है, अपने भतीजे के साथ कहीं चला गया है। एक व्यक्ति को छोड़कर सभी का ध्यान फेलिक्स और रिलन पर था और वह ऐसा था, मंच प्रतिभागियों के क्षेत्र से केवल 10 मीटर की दूरी पर था और ग्रेसी सबसे आगे थी। और जैसे ही रिलन भव्य मंच के केंद्र में चला गया, वह एस की आत्मा की समझ की सीमा में आ गया। जैसे ही यह हुआ, एस के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी और एक काला पैनल दिखाई देने लगा। वह इससे हतप्रभ था क्योंकि सिस्टम भंडारण था, न के खजाने का पता लगाता है। क्या आप इसे 2 TP का उपयोग करके चिन्हित करना चाहते हैं? एस इस बात से चकित हो गया और मन में भ्रमित होकर बोला, सिस्टम, ये स्टोरेज स्पेस खजाना क्या है? ये नाम भी उनके लिए अनोखा था। उत्तर के लिए 1 TP आवश्यक है। चूंकि उसने हाल ही में काफी टीपी अर्जित की है, उसने बिना किसी परवाह के कहा, इसे ले लो। उनका 54 TP 53 हो गया और सिस्टम की आवाज फिर से सुनाई दी। भंडारण था, न के खजानों का उपयोग हथियार, मुद्रा, गोलियां और अन्य खजानों जैसी निर्जीव चीजों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक उंगली की अंगूठी के भीतर जुड़े हुए एक गुप्त था, न की तरह है। आप पूरे पहाड़ को उस छोटी अंगूठी के अंदर संग्रहित कर सकते हैं यदि आपके पास पर्याप्त जगह है। कुछ भंडारण था, न खजाने में जीवित चीजें जैसे इंसान, जीवित जानवर, जीवित औषधि जड़ी बूटियां और अन्य चीजें भी स्टोर कर सकते हैं। यह आपके खजाने के अंदर एक भंडारण था, न बनाने के लिए है। रून शिल्पकार बनने की आवश्यकता है। सिस्टम ने केवल निम्नतम स्तर की रिंग का पता लगाया, ये स्थिर भी नहीं है। ये स्पष्ट रूप से एक नौसिखिया रून क्राफ्टर द्वारा बनाया गया था और 5000 वर्षों के बाद नष्ट हो जाएगा। एस ने इन भंडारण था, न के खजानों पर सिस्टम स्पष्टीकरण सुना और आश्चर्यचकित हो गया। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि इस दुनिया में ऐसी पौराणिक चीज भी मौजूद है। अगर मेरे पास ये भंडारण था, न का खजाना हो सकता है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे इस बैग को इधर उधर ले जाना नहीं है और मैं चोरी किए गए सामानों और अपने हथियारों को भी रिंग के अंदर रख सकता हूँ? ये वास्तव में एक पोर्टेबल खजाने की तरह है। लेकिन इस तरह का खजाना यहाँ कैसे आ सकता है और किसके पास है? सिस्टम ने उस खजाने को चिन्हित किया। एस वास्तव में ये भंडारण था, न खजाना चाहता था, क्योंकि इसकी मदद से वह मिशन या चोरियां आसानी से कर सकता है। जैसे ही उसने अपनी आवाज प्रसारित की, टीपी 51 हो गया। उसने देखा कि किसी के हाथ पर एक काला छोटा पैनल दिखाई दे रहा है। यह एक आदमी के बाएं हाथ की उंगली पर एक नीली अंगूठी थी। लेकिन जब एस ने देखा कि इस अंगूठी का मालिक कौन है, तो उसका जटिल रूप राख हो गया क्योंकि यह रिलन ग्रांट के अलावा कोई और नहीं था। राइलन को नीली स्टोरेज रिंग पहने हुए देखकर एस का रंग उदास हो गया था। वह वास्तव में वह अंगूठी चाहता था, लेकिन एस के कारण उसे शांत रहने के लिए मजबूर करते हैं। सिस्टम के साथ इस सारे संचार में केवल कुछ सेकंड लगते हैं। अब एस बिजली की गति से सोचने लगता है जब उसे अचानक कुछ याद आता है और उसके बारे में सोचते ही उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। उन्होंने ईवा के शब्दों को याद किया, जब रिलन ने इस मास्क को हवा से बाहर निकाला तो मैं इसे आश्चर्यचकित रह गया। एस ने उस समय इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वह बस यही सोचता है कि यह कोई गुप्त कौशल या ऐसा ही कुछ हो सकता है। विशेष रूप से अब कहानी बिल्कुल अलग थी क्योंकि वह स्टोरेज रिंग के अस्तित्व के बारे में जानता था। अगर ईवा सही थी और उसने हवा में से वह मुखौटा निकाल लिया, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं जो ढूंढ रही हूँ वह भी उस अंगूठी में है? एस ने विचार किया और एक डरावने निष्कर्ष पर पहुंचा। वह एक गहरी सांस लेता है और अपने तेज दिल को शांत करता है। यदि एस का अनुमान सही था, तो रिलन संभवतः ग्रांट परिवार की सबसे महत्वपूर्ण चीजों और खजाने को उस स्टोरेज रिंग में रखेगा। और अगर वह उस स्टोरेज रिंग को चुरा सका, तो इसका मतलब है कि उसका मिशन पूरा हो जाएगा और वह भी यहां से निकल सकेगा। इसके अलावा उन्हें अपने खजाने की खोज के लिए ग्रांट परिवार की मुख्य हवेली में जाने की भी जरूरत नहीं थी। इसके अलावा यदि उसे ग्रांट परिवार के खजाने में वह चीज नहीं मिली तो क्या होगा? उस समय उसे रिलन के पीछे जाना पड़ता है और रिलन को उसके ही घर में ढूंढना मुश्किल नहीं था, लेकिन उसे सभी प्रकार की सुरक्षा और जाल से गुजरना पड़ता है। हालांकि अभी वह ठीक उसके सामने खड़ा था। अब एस में आंतरिक संघर्ष चल रहा था और वह अपना अंतिम विकल्प नहीं चुन पा रहा था। अगर मैं अभी हड़ताल करता हूं, तो मैं ग्रांट परिवार छोड़ सकता हूं। लेकिन अगर मैं रिलन स्पेस रिंग में वह चीज नहीं ढूंढ पाता तो ईवा मुश्किल में पड़ जाएगी, और अगर मैं वह चीज खजाने में भी नहीं ढूंढ पाता
तो मुझे 90% यकीन है कि रिलन के पास वह चीज है, वह अंगूठी, इसलिए क्योंकि कोई भी इस तरह का कीमती सामान खजाने में नहीं रखना चाहता जिसे कोई और खोल सके। आह, एस ने बेबसी से आह भरी। हालांकि अगले ही पल एस की आंखें चमकने लगती हैं और आत्मा की भावना को पूरी तरह से राइलन पर केंद्रित कर देती हैं। अंततः उसने एक विकल्प चुना। अगर एस ने रिलन की आत्मा की लहर में थोड़ा सा भी बदलाव देखा तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के हमला कर देगा। मंच पर फेलिक्स पहले से ही अपने पिता के बगल में व्हाइट कल्टीवेशन मेजरिंग क्रिस्टल के सामने खड़े हैं। रिलान ने आदेशात्मक स्वर में कहा, शुरू करो। फेलिक्स देर तक नहीं रुका और उसने अपने हाथ क्रिस्टल पर रख दिए और एनर्जी में छेद कर दिया। क्रिस्टल चमकने लगता है और एक हल्के हरे रंग का गेट बन जाता है, एनर्जी गेट क्षेत्र का तीसरा द्वार। भीड़ आश्चर्य से चिल्ला उठी क्योंकि फेलिक्स की उम्र के किसी व्यक्ति को ढूंढना बहुत मुश्किल था जिसने शहरों की भूमि में तीसरा द्वार खोला था। इसके अलावा हर कोई जानता है कि पूरे नदी फूल शहर में केवल आशेर 20 साल की उम्र में एनर्जी गेट्स दायरे के तीसरे चरण तक पहुंच गया है और पूरे शहर की शीर्ष प्रतिभा के रूप में पहचाना जाता है। लेकिन अब एक और उभर कर सामने आया था और वह आशेर से भी छोटा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे दोनों रिलन के बेटे और पोते थे। अब यदि रिलन निकट भविष्य में एनर्जी फाउंडेशन बिल्डिंग क्षेत्र में पहुंच गया और रिलन और एशियन जैसी प्रतिभाओं के साथ, ग्रांट का परिवार निश्चित रूप से लेटन परिवार से ऊपर उठ जाएगा। भतीजे, देख लेने दो कि अगली बार जब तुम मुझसे मिलोगे तो क्या तुम अब भी मेरे सामने अहंकारी व्यवहार कर सकते हो। सबकी प्रतिक्रिया देखकर मुस्कुराते हुए फेलिक्स कल्पना करता है। उसका अपना भतीजा आशेर हमेशा उसे नीची दृष्टि से देखता था क्योंकि वह छोटा और कमजोर था। फेलिक्स हमेशा उसे दबाना चाहता था और आशेर को हराकर अधीन होना चाहता था। अब उन्होंने अपने भतीजे से भी ज्यादा प्रतिभा दिखाई है और उनसे भी आगे निकल गए हैं। अब तो उनके पिता, जो हमेशा अपने भतीजे की प्रशंसा करते थे, को भी उन्हें स्वीकार करना पड़ा। इस अचानक सुखद आश्चर्य से रिलन सचमुच चकित रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका बेटा पहले ही उनके प्रतिभाशाली पोते से आगे निकल चुका है जिससे वह बहुत प्यार करते थे। इस क्षण उसे स्वर्ग से संतुष्टि और आशीर्वाद महसूस हुआ। उसके भावशून्य चेहरे पर पहली बार मुस्कान तैर गई जब उसने सोचा, एक ही पीढ़ी में दो प्रतिभाएं हैं। अब मेरे ग्रांट परिवार के उत्था न को कोई नहीं रोक सकता। रिलन का फेलिक्स को देखने का नजरिया भी बदल गया और उसकी निगाहें नम्र हो गईं। उसने फेलिक्स को अपने दिल में आशेर के समान स्थान न दिया। अच्छा, आपने मुझे निराश नहीं किया आपके पिता, और साबित कर दिया कि मेरा ग्रांट परिवार प्रतिभाओं का गढ़ है। मैंने सभी को घोषणा की कि इस वर्ष की बैठक मेरे बेटे फेलिक्स के विजेता के साथ समाप्त हो गई है। फिर भी कृपया रुकें क्योंकि वहां जा रहा हूं। मेरे बेटे की महान उपलब्धि के जश्न में आज रात एक भोज होगा। रिलन ने अपने चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान के साथ घोषणा की और हर कोई खुश होने लगा। परिवार के सभी बुजुर्ग खिलखिलाकर मुस्कुराए। उन्होंने भी देर नहीं की और जल्दी से भोज की तैयारी शुरू कर दी। कैडेन ने अपने बड़े भाई को अच्छे मूड में देखा और चेहरे पर गहरी मुस्कान के साथ उसके पास आया। बधाई हो बड़े भाई, अब आपके पास दो ड्रैगन हैं। हाहाहा, आप बहुत विनम्र हैं कैडेन। कैडेन की बातें सुनकर रिलन खूब हंसा। रिलन ने खुशी से अपने बाएं हाथ से अपना कंधा थपथपाया। तभी उसकी मुस्कान अचानक रुक गई क्योंकि उसने देखा कि उसके हाथ में कुछ कमी है। हाँ, वो खाली था, उसकी भंडारण अंगूठी चली गई थी। कैडेन ने अपने बड़े भाई की अभिव्यक्ति देखी और उसके भीतर एक बहुत बुरी भावना जाग उठी। लेकिन क्यों? इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, उसके कंधे से तेज दर्द उठने लगा। आह, कैडेन के अचानक दर्दनाक विलाप से सारी जय जयकार रुक गई। लेकिन इससे पहले कि कोई यह समझ पाता कि क्या हुआ, उन्होंने राइलन की हत्या के इरादे से भरी तेज दहाड़ सुनी। उद्धरण चिन्ह, अनजाने में राइलन ने घबराहट में कैडेन के कंधे की हड्डी को कुचल दिया है। भले ही वह जानता हो कि उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी क्योंकि उसकी नजर उसकी तर्जनी पर टिकी हुई थी। वहां सुंदर पैटर्न वाली नीली अंगूठी होनी चाहिए थी, लेकिन अब वह चली गई है और उसका केवल एक हल्का सा सफेद निशान बचा है। उसका दिमाग पूरी तरह से उथल पुथल में था और इसकी वजह से उसने अपनी बंदोबस्ती पर नियंत्रण खो दिया और क्वासी एनर्जी फाउंडेशन बिल्डिंग की पूरी आभा को कल्टीवेशन आधारित बना दिया। दबाव इतना ज्यादा था कि 100 मीटर दूर तक भी महसूस किया जा सकता था। कैडेन तूफान की चपेट में आ गया और लगभग उसकी जान चली गई। वह दबाव बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने पीक एनर्जी गेट्स क्षेत्र की अपनी कल्टीवेशन का इस्तेमाल किया और दर्द से चिल्लाया, भाई आप। कैडेन की तेज चीख से रिलन बाहर निकला और उसने देखा कि उसका हाथ कैडेन के खून से भीगा हुआ था। वह तुरंत अपनी पकड़ खो देता है और कैडेन दर्दनाक कराह के साथ मंच पर गिर जाता है। वह भाग्यशाली था कि रिलन ने अपनी एनर्जी का उपयोग नहीं किया, अन्यथा उसका कंधा उसके शरीर से अलग हो गया होता। क्या हुआ? कैडेन ने जल्दी से एक उपचार गोली खा ली और जब उसका दर्द थोड़ा कम हो गया तो उसने अपने पीले चेहरे पर चिंतित भाव के साथ पूछा। उसने पहले कभी अपने भाई को इस तरह से शांत खोते नहीं देखा, खासकर सार्वजनिक स्थान।
नो पर, लेकिन अब वह लगभग पागल जैसा लग रहा था। वह बिल्कुल अलग व्यक्ति था। वह चला गया। रिलन अपनी रक्तरंजित आंखों में डर और दहशत के संकेत के साथ सोचता है। फिर भी वह खुद को शांत होने के लिए मजबूर करता है और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है, लेकिन उसने अपने साधना आधार का दबाव कम नहीं किया। मंच पर मौजूद सभी लोग डर से कांप रहे थे। पूरे आयोजन स्थल पर सन्नाटा पसरा हुआ था। रिलन की हत्या की मंशा चरम पर होने से माहौल ठंडा हो गया है। कोई नहीं जानता कि क्या हुआ, लेकिन कोई जानना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वे जोर से सांस लेंगे तो भी राइलन गुस्से में उन्हें मार डालेगा। लॉकडाउन, पूरा क्षेत्र। रिलन जोर से दहाड़ता है। बुजुर्गों की रखवाली करने वालों को लगा कि उन पर दबाव खत्म हो गया है और उन्होंने तुरंत रिलन के आदेश का पालन किया। अब रिलन की इजाजत के बिना कोई भी बाहर नहीं जा सकता। मैं बस इतना चाहता हूं कि हर कोई मुझे अपने हाथ और अपना सामान दिखाए और वे उसके बाद जा सकते हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। गुस्सा तो सभी को आता है, लेकिन अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं होती। वे उसकी उन्मत्त अभिव्यक्ति से बता सकते थे कि जो कोई भी सहयोग नहीं करेगा वह उसे मार डालेगा। मंच पर हर कोई मुझे अपने हाथ और ऐसी कोई भी चीज दिखाता है जो चीजों को अंदर रख सके। रिलन पहले मंच पर मौजूद लोगों से शुरुआत करता है, क्योंकि वे उसके सबसे करीब थे। सबके हाव भाव भद्दे हो जाते हैं, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाते। एक एक करके सभी ने उसे अपने हाथ और पैसों की थैली दिखाई। हर व्यक्ति की जांच करने के बाद रिलन हमेशा उनके माथे पर अपना हाथ रखता था और अपनी आंखें बंद कर लेता था। वह वास्तव में स्टोरेज रिंग को महसूस कर रहा था, क्योंकि वह रिंग उससे जुड़ी हुई थी। अगर वह उसके पास होती तो वह स्टोरेज स्पेस रिंग को महसूस कर सकता था। रिलन सभी की जांच कर रहा था, तभी उसने फेलिक्स की अप्रत्याशित आवाज सुनी। पिताजी, मेरी पैसों की थैली चली गई। इस सन्नाटे में फेलिक्स की आवाज हर कोई सुन सकता था। हर कोई चौंक जाता है और अपने पैसों के थैलों की जांच करने लगता है। मेरा भी निकल गया, मेरा भी, धिक्कार है, क्या हो रहा है, यहाँ चोरी करने की हिम्मत किसकी है। घटना के इस अजीब मोड़ से हर कोई हैरान था, क्योंकि केवल प्रतिभागियों के पाउच चोरी हुए थे और किसी के नहीं। अपने पिता को घायल देखकर ग्रेसी एस के बारे में लगभग भूल गई और उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह नहीं जानती थी कि उसके चाचा ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन जब उसने सभी की चिंताजनक चीखें सुनी तो उसे तुरंत किसी का ख्याल आया। ग्रेसी भी अपने पिता के बारे में भूल गई और उसने तुरंत पीछे देखा, लेकिन एस कहीं नहीं था। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया और वह बेकाबू होकर कांपने लगी, क्योंकि उसकी कुर्सी के पीछे एक बड़ा बैग पड़ा था। उसने उस बैग की जांच करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर वह जो सोच रही थी वह सच है तो वह मर चुकी है। रूबेन परेशान था, क्योंकि उसका मनी बैग भी गायब हो गया था। अचानक उसकी नजर ग्रेसी के पीले चेहरे पर पड़ी, क्योंकि वह उसके ठीक बगल में बैठा था। उसने सोचा कि उसका मनी बैग भी चोरी हो गया है, और यह सोचने के बाद उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं था। लेकिन जब उसने देखा कि ग्रेसी अपने पीछे देख रही है, तो उसने भी भ्रमित होकर उधर देखा। उसने वहां केवल एक लंबा बैग देखा, और उस बैग को देखने के बाद उसे याद आया कि एक लड़का था जो आज शाम को इसे ले जा रहा था और अब यहां नहीं है। सिस्टर ग्रेसी, वह लड़का कहां है? रूबेन की आवाज उस खामोश इलाके में सुबह की घंटी की तरह गूंजती है। सभी का ध्यान रिलन तुरंत ग्रेसी और रूबेन की ओर जाता है। रूबेन की अचानक आवाज से ग्रेसी की नींद खुल गई। ग्रेसी अब रूबेन को मारना चाहती थी। क्या इस बदमाश को इतना जोर से बोलना था? उसने उसे श्राप दिया, लेकिन अफसोस अब वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। हर कोई उसे देख रहा था, और उसे ये भी संदेह हो रहा था कि उसके चाचा के गुस्से का एस के गायब होने से कुछ लेना देना है। यदि उसके चाचा को उसकी योजनाओं के बारे में पता चलता है तो वह इसके परिणामों के बारे में सोचकर ही काम जाती है। रिलन एक धूर्त लोमड़ी था, भले ही वह अभी कितना भी घबरा रहा हो, ग्रेसी की पीली अभिव्यक्ति उसके विचार में सही नहीं थी। यहां तक कि कैडेन, जो अभी भी अपना घाव ठीक कर रहा था, जानता है कि उसकी बेटी कुछ छिपा रही थी, और इस तरह की स्थिति में यह अच्छी बात नहीं थी। रूबेन, वह लड़का कौन है? रिलन जोर से पुकारता है। क्या है सही सलामत? चोरी करके भाग जाएगा? सुनिए अगले एपिसोड में।